आदरणीय सभी सैनिक भाइयों को और मंच पर आमंत्रित सभी बुजुर्गों को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूं। मैं तेलंगाना एनएक्सीसी का प्रेसिडेंट हूं। जैसे कि हमारे जान साहब ने कहा था, ये यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, और कल ये सोचा गया था कम से कम यहाँ पे सारे भारत के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से कम 2000 पूर्व सैनिक आएंगे, लेकिन वैसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। हमको चाहिए हमारे मांगे पूरे हैं पूरे हों। हमारे मांगे पूरे कब होंगे, कैसे होंगे? अगर ये हमारा शो रहा, ये हमारा दिखावा रहा, तो गवर्नमेंट भी सोचेगी ये तो ऐसे ही आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे। यहाँ पे तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। विद दिस आई एम वेरी सैड। एंड मेरे भाई पूर्व सैनिक ये सोचते होंगे कि मैं नहीं गया तो क्या हुआ, मेरे भाई दूसरे तो वहाँ जाएंगे। सभी यही सोचते हैं और कोई आते नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ ज़्यादा पंजाब हरियाणा से ही मित्र सैनिक भाई दिखाई दे रहे हैं, और दूसरे यहाँ से थोड़े तमिलनाडु, थोड़े तेलंगाना से आए हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ये जो नया नाम दिख रहा है, मगर ये यूनाइटेड फ्रंट मतलब यह है कि एक हाथ में 5 उंगली होते हैं। ये उंगलियां, एक उंगली कुछ भी नहीं कर सकती, ये दो उंगली कुछ भी नहीं कर सकते, जब तक कि ये 5 उंगली इकट्ठा ना हो, जब तक कि ये 5 उंगली एक साथ ना हो, तो काम हाथ कर नहीं सकता। लिहाजा मैं सभी सैनिक मित्रों से, आए हुए सैनिक मित्रों से ये विज्ञप्ति करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जो जाएं तो ये अपने साथियों को बता दें कि जब भी कुछ पुकार आए हमारे भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन के बारे में, वो फौरन आए। जैसे हमें पता है, हम सब भुगत चुके हैं, जैसे ही सैरन बजती है, हाँ, जैसे ही सैरन बजती है 10-15 मिनट में वहाँ फालिन हो जाते हैं। अगर फालिन नहीं हो तो पनिशमेंट मिलती है हमको। क्या हमारी जरूरत पूरे करने के लिए हम खुद ना सके, ये कैसा है? ये तो ठीक नहीं है। मैं सभी मित्रों से यही गुजारिश करता हूँ कि जब भी वो जाएं और अपने पूर्व सैनिक भाइयों से मिलें, ये सब बातें बताएं, और जब भी कुछ पुकार हो सैनिक सम्मेलन की, वहाँ पे हाजिर हो और हमारी आवाज़ें गवर्नमेंट तक के पहुँचाने की कोशिश करें। जब तक कि छोटा बच्चा है, अगर छोटा बच्चा माँ का दूध पीने के लिए छोटा सा चिल्लाता है, छोटा रोता है, छोटा रोने से वो माँ फौरन रिएक्ट नहीं करती। कब रिएक्ट करती? वो जोर जोर से चिल्लाए, जोर जोर से जब चिल्लाएगा तब वो समझेगी यह भूखा है, इसको दूध देना पड़ेगा। जब तक कि हमारी भी आवाज़ ज़्यादा ना हो तब तक भी सरकार जो ये नहीं समझेगी कि इनको ज़रूरत नहीं है, या ऐसे जाएंगे। दे सिंपली शो लिप सिंपथी व्हेनेवर फ्यू ऑफ आवर लीडर अप्रोच द मिनिस्ट्री इज कंसर्न्ड। दे ओनली शो लिप सिंपथी बट इन एक्शंस दे डू नथिंग। इन हार्ट दे हैव समथिंग एंड आउटवर्डली दे से समथिंग एंड इन राइटिंग दे डू वेरी वेरी लेस। मैं यह जो मंच अरेंज करने वाले हमारे कल्लल नायन साहब को और सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूं, और मुझे यहां आमंत्रित करके दो शब्द बोलने के मौका दिया, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अली जी, आपने जो अपना जो बताया, आपने थोड़ा सा डिप्रेशन पैदा कर दिया कि हमारी संख्या कम है, और उसे
संख्या कम होने के नाते हम लोगों ने किसी तरह का प्रचार नहीं किया, या कि कोशिश हमने बहुत की, कोशिश में की गई है। आप लीग देखिए, लीग में तीनों संस्थाएं हैं परंतु हमारा साथ नहीं दिया। एफ ए उसमें सिर्फ एयरफोर्स की पर्सन है, VSF सिर्फ नेवी के ही पर्सन है, तो डिवीजन तो हम लोगों ने अपने आप ही कर दिया था। NXCC है जिसमें कि ऑल द थ्री सर्विसेज आप दे है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, वो आपके सामने मौजूद है। आप यूनाइटेड के लिए मैं एक और आपको फॉर्मूला बताता हूँ, शायद आप लोग उसको मानेंगे और एक पहली सीढ़ी हम लोग चल लेंगे। अगर जो आप लोग कोई भी फंक्शन करते हैं, एनुअल मीटिंग, जनरल मीटिंग, हाफ ईयरली मीटिंग, मंथली मीटिंग, जो पंजाब हरियाणा के हैं, आप हमें बुलाइए, हम आएंगे आपके पास। हम मीटिंग अगर जो करते हैं, हम अगर जो मीटिंग करते हैं, हम आपको बुलाएंगे, आप आइएगा, हम लोग आपस में यूनाइटेड, एक यूनाइटेड होने का तरीका एक ये भी है कि एक ही बैनर के नीचे हम लोग सब काम करेंगे और इस तरह से अपनी जो भाषा है, बोलने की भाषा, समझाने की भाषा, काम करने की भाषा, वो सब मिल करके एक हो करके जरूरी फायदा हम लोगों को मिलेगा। अब मैं अपने नेशनल एक्स सर्विस जो तेलंगाना से आए हुए हैं, नेक्स्ट साथी हमारे मिस्टर अली हैं जो प्रेसिडेंट हैं तेलंगाना स्टेट के, वो उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दो सब यहाँ पर कहें कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। आइए अली जी। आदरणीय सभी सैनिक मित्रों को, मंच पर सभी आदरणीय सभी सैनिक भाइयों को और मंच पर आमंत्रित सभी बुजुर्गों को मैं हार्दिक प्रणाम करता हूं। मैं तेलंगाना NXCC का प्रेसिडेंट हूं। जैसे कि हमारे जान साहब ने कहा था, ये यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, और कल ये सोचा गया था कम से कम यहाँ पे सारे भारत के पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण से कम 2000 पूर्व सैनिक आएंगे, लेकिन वैसा तो नहीं दिखाई दे रहा है। हमको चाहिए हमारे मांगे पूरे हैं, पूरे हों, हमारे मांगे पूरे कब होंगे, कैसे होंगे? अगर ये हमारा शो रहा, ये हमारा दिखावा रहा, तो गवर्नमेंट भी सोचेगी ये तो ऐसे ही आएंगे, बोलेंगे, चले जाएंगे, यहाँ पे तो कोई स्ट्रेंथ ही नहीं है। विद दिस आई एम वेरी सैड एंड मेरे भाई पूर्व सैनिक ये सोचते होंगे कि मैं नहीं गया तो क्या हुआ, मेरे भाई दूसरे तो वहाँ जाएंगे, सभी यही सोचते हैं और कोई आते नहीं। यहाँ पे तो सिर्फ ज़्यादा पंजाब हरियाणा से ही मित्र सैनिक भाई दिखाई दे रहे हैं और दूसरे यहाँ से थोड़े तमिलनाडु, थोड़े तेलंगाना से आए हुए हैं। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ये जो नया नाम दिख रहा है, मगर ये यूनाइटेड फ्रंट मतलब यह है कि एक हाथ में 5 उंगली होते हैं, ये उंगलियां एक उंगली कुछ भी नहीं कर सकती, ये दो उंगली कुछ भी नहीं कर सकते जब तक कि ये 5 उंगली इकट्ठा ना हो, जब तक कि ये 5 उंगली एक साथ ना हो तो काम हाथ कर नहीं सकता। लिहाजा मैं सभी सैनिक मित्रों से, आए हुए सैनिक मित्रों से ये विज्ञप्ति करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो जो जाएं तो ये अपने साथियों को बता दें कि जब भी कुछ पुकार आए हमारे भूतपूर्व सैनिकों के सम्मेलन के बारे में, वो फौरन आए। जैसे हमें पता है, हम सब भुगत चुके हैं, जैसे ही सहरन बस्ती है, हाँ,
जैसे ही सैरन बजती है 10-15 मिनट में वहाँ फालिन हो जाते हैं, अगर फालिन नहीं हो तो पनिशमेंट मिलती है हमको। क्या हमारी जरूरत पूरे करने के लिए हम खुद ना सके, ये कैसा है? ये तो ठीक नहीं है। मैं सभी मित्रों से यही गुजारिश करता हूँ कि जब भी वो जाएं और अपने पूर्व सैनिक भाइयों से मिलें, ये सब बातें बताएं, और जब भी कुछ पुकार हो सैनिक सम्मेलन की, वहाँ पे हाजिर हो और हमारी आवाज़ें गवर्नमेंट तक के पहुँचाने की कोशिश करें। जब तक कि छोटा बच्चा है, अगर छोटा बच्चा माँ का दूध पीने के लिए छोटा सा चिल्लाता है, छोटा रोता है, छोटा रोने से वो माँ फौरन रिएक्ट नहीं करती। कब रिएक्ट करती? वो जोर जोर से चिल्लाए, जोर जोर से जब चिल्लाएगा तब वो समझेगी यह भूखा है, इसको दूध देना पड़ेगा। जब तक के हमारी भी आवाज़ ज़्यादा ना हो तब तक भी सरकार जो ये नहीं समझेगी कि इनको ज़रूरत नहीं है, या ऐसे जाएंगे। दे सिंपली शो लिप सिंपथी व्हेनेवर फ्यू ऑफ आवर लीडर अप्रोच द मिनिस्ट्री इज कंसर्न्ड, दे ओनली शो लिप सिंपथी बट इन एक्शंस दे डू नथिंग। In heart they have something and outwardly they say something and in writing they do very very less. मैं यह जो मंच अरेंज करने वाले हमारे कल्लल नायन साहब को और सभी भाइयों को धन्यवाद देता हूँ और मुझे यहाँ आमंत्रित करके दो शब्द बोलने के मौका दिया। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद अली जी, आपने जो अपना जो बताया, आपने थोड़ा सा डिप्रेशन पैदा कर दिया कि हमारी संख्या कम है और उसे संख्या कम होने के नाते हम लोगों ने किसी तरह का प्रचार नहीं किया, या कि कोशिश हमने बहुत की, कोशिश में की गई है। आप लीग देखिए, लीग में तीनों संस्थाएं हैं परंतु हमारा साथ नहीं दिया। एफ ए उसमें सिर्फ एयरफोर्स की पर्सन है, VSF सिर्फ नेवी के ही पर्सन है, तो डिवीजन तो हम लोगों ने अपने आप ही कर दिया था। NXCC है जिसमें कि ऑल द थ्री सर्विसेज आप दे है, आर्मी नेवी एयरफोर्स, वो आपके सामने मौजूद है। आप यूनाइटेड के लिए मैं एक और आपको फॉर्मूला बताता हूँ, शायद आप लोग उसको मानेंगे और एक पहली सीढ़ी हम लोग चल लेंगे। अगर जो आप लोग कोई भी फंक्शन करते हैं, एनुअल मीटिंग, जनरल मीटिंग, हाफ ईयरली मीटिंग, मंथली मीटिंग, जो पंजाब हरियाणा के हैं आप हमें बुलाइए, हम आएंगे आपके पास। हम मीटिंग अगर जो करते हैं, हम अगर जो मीटिंग करते हैं, हम आपको बुलाएंगे, आप आइएगा, हम लोग आपस में यूनाइटेड होने का तरीका एक ये भी है कि एक ही बैनर के नीचे हम लोग सब काम करेंगे और इस तरह से अपनी जो भाषा है, बोलने की भाषा, समझाने की भाषा, काम करने की भाषा, वो सब मिल करके एक हो करके जरूरी फायदा हम लोगों को मिलेगा। अब मैं अपने नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।